स्वागत है बॉलीवुड की अपडेट में। जी हां, आज हम बात करेंगे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की, जो कि हाल में कलंक में नजर आने वाले। लेकिन संजय दत्त के बेटे और बेटी माधुरी दीक्षित से क्यों मिली, जानिए इस पूरी खबर में। फिल्म अभिनेता संजय दत्त और माधुरी दीक्षित फिल्म कलंक में एक साथ काम करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि दोनों करीब 20 वर्षों के बाद एक साथ फिल्म में काम कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने बताया कि जब उनसे उनके बच्चे सेट पर मिलने आए थे, तब उन्होंने माधुरी दीक्षित से भी मुलाकात की थी। इस मौके पर आगे बताते हुए संजय दत्त कहते हैं कि माधुरी दीक्षित के साथ शुरुआती दौर में काम करने को लेकर वह थोड़े बेचैन थे, लेकिन माधुरी दीक्षित ने उसे बहुत ही कम्फर्ट किया। संजय दत्त ने इस मौके पर माधुरी दीक्षित की जमकर सराहना भी की। संजय दत्त ने यह भी कहा कि दोनों की दोस्ती उनके बच्चों को लेकर ज्यादा हुई है। गौरतलब है कि माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की है और उनके दो बच्चे हैं। इस मौके पर संजय दत्त ने कहा कि जब वह फिल्म गुमराह कर रहे थे, तब 1993 में फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा ने उनसे इस फिल्म के बारे में बात की थी। वहीं करण जौहर भी इस बारे में बता चुके हैं कि यह फिल्म उनके लिए बहुत ही विशेष फिल्म है, क्योंकि यह फिल्म उनके पिता के मस्तिष्क की उपज है। फिल्म गुमराह में काम कर चुकी श्रीदेवी को फिल्म कलंक ऑफर हुई थी, लेकिन अचानक उनके देहांत के बाद यह भूमिका माधुरी दीक्षित को दे दी गई। इस फिल्म में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित के अलावा वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और अदित्य रॉय भी कपूर अहम भूमिका निभा रहे हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.